अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं इस्लामाबाद। कल हमारा दिन जो था वो गुजरा था लाहौर दिल्ली गेट पे, और मतलब दिल्ली गेट पे नहीं गुजरा था, उसे एक्सप्लोर करते हुए गुजरा था। इस वक्त बस अब हम निकल रहे हैं, ये सब रेडी है होंगे सारे, और बस गाड़ी में बैठने लगे हैं। और इस्लामाबाद पहुंच के ऑलमोस्ट 5-6 घंटे लगेंगे हमें पहुंचने में। 8 बजे निकल लेते हम सुबह 8 बजे निकल रहे थे, लेकिन कोई भी 8 बजे उठा नहीं, तो हम लोग लेट हो गए। और क्योंकि रात को जो है काफ़ी देर हो गई थी सोते सोते, तो इस वक्त 1 बज रहा है, जुमे का दिन है, और निकल रहे हैं। इंशाल्लाह हम लोग वहाँ पर 7 बजे तक पहुँच जाएंगे होपफुली, और फिर मिलते हैं आपसे इस्लामाबाद में। लेट्स गो। स्टॉप लिया है मोटरवे पे ही, इस्लामाबाद लाहौर और इस्लामाबाद के बीच में जो मोटरवे है वहाँ पर स्टॉप लिया है। स्टॉप इसलिए लिया है कि ये रहान साहब बहुत शोर कर रहे थे, इनको दूध चाहिए था, और इन्होंने हमें ड्राइविंग करना अजाब कर दिया था। बच्चों के साथ ट्रैवलिंग में आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे फेडअप हो जाते हैं, थक जाते हैं। बैक साइड पे तो बस अब हम इन साहब को दूध देंगे और उसके बाद अपना सफर कंटिन्यू करेंगे। ओवरऑल मोटरवे बहुत खूबसूरत है, और इस वक्त जहाँ हम रुके हैं उसके मैं आपको एक मिनट के साइड पर मैं दिखाती भी हूँ। काफी ग्रीनरी है ये देखें, और बड़ा ही अच्छा व्यू है इसका। और ये रोड का व्यू क्या सीन है, साफ फुल मेहनत करते हुए, और ये मोबाइल में लगे हुए सोने सोने नहीं है चक्के दिया रहेंगे। नहीं रोना बंद करो। और लीजा आप क्या कर रही है? कॉफी खा रही है। टॉफी ये वो खाती पीती रहती है। चिकन मक्खनी दे।
ਲੇਕਿਨ ਹਾਂਜੀ खाना अलहमदुलिल्लाह हम लोगों ने खा लिया है और खाना बहुत ही यमी था। मनाली की वैसे भी कोई तारीख किसी तारीख का आगाज है नहीं, क्योंकि यहाँ पर डेली ही इतना रश होता है, इसलिए होता है कि इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। इनका जो व्यू है साइट सीन वाला वो भी बहुत अच्छा है और फूड तो ऑफकोर्स अच्छा है ही। तो खाना हम लोग खा चुके हैं, बस थोड़ा सा ये मुबशर साहब और हमजा साहब से थोड़ा सा खाना रह गया है, वो साफ कर रहे और नहीं और बस इसके बाद एक रूहान के लिए 90 राइड फ्री इनको कॉम्प्लीमेंट्री मिली है। ये राइड लेंगे लोग रूहान और उसके बाद हम लोग फिर जाएंगे थोड़ा सा इस्लामाबाद एक्सप्लोर करेंगे। वैसे तो प्लेंटी ऑफ टाइम इस्लामाबाद भी एक्सप्लोर कर चुके हैं, बट थोड़ा सा और चाय वगैरह पियेंगे देन हम लोग आगे निकल जाएंगे, रुकेंगे नहीं इस्लाम। बेटा ग्लूको कहाँ से लाऊं मैं? ये जी गाइस चाय आ गई हमारी। इस वक्त हम हैं गाइस जिना सुपर मार्केट पे और ये हमने चाय की बहुत ज्यादा नीड हो रही थी तो चाय ऑर्डर की है और ग्लूको नहीं मिलेगा बेटा, चाय मिलेगी। चाय पीनी है तो आप बात करें। क्यों हो रहे तो इस वक्त हम मौजूद हैं कहाँ पर है? बादशाह इस्तांबुल के अंदर मौजूद है और अभी तो फर्स्ट फ्लोर है, बहुत रश है भाई, फुल हाउसफुल गाइस, हाउसफुल है। मैंने उनसे पूछा है, मैंने पहले खाया हुआ लेकिन अब मैं भूल गई हूँ वो क्रीम था या चीज़ था, लेकिन अब मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, आप सजेस्ट करें कि अच्छा कौन सा है। ये उन्होंने बताया मुझे ये कह रहे थे या ये कह रहे थे क्रीम अच्छा है, ये आइसक्रीम नहीं ना जो मैंने खाया था उसमें आइसक्रीम नहीं होती, तो समझो मेरे ना मुंह में टेस्ट नहीं, उसमें क्रीम थी। वैसे आप खाओ ना उसे मुँह में घुलता रहता है, उसके ऊपर सिरप डालते हैं वही ना, चीज़ होता है क्रीम, एक एक दोनों ही है, एक चीज एक क्रीम, हाँ जो अच्छा होगा वो और मंगा लेंगे, नहीं तो फिर दोनों खा लेंगे। इस पे 20 मिनट लगेंगे, कोई बात नहीं, हम बैठे हुए हैं। पानी एक बॉटल पानी, एक्चुअली हम मनाल से खाना खाए हैं, ये फ्रेंड ने सजेस्ट किया था तो फिर इसलिए आए। ठीक है, थैंक यू सो मच। वैसे मैं पहले प्लेंटी ऑफ टाइम कुनाफा आई हैव ट्राइड, बट वो मैंने कराची से ट्राई किया था और वो जिस रेस्टोरेंट वो मंदी हाउस था वो बंद हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद आई गेस इट्स बीन 1.5 ईयर मैं कुनाफा ढूंढती रह गई हूँ, मुझे कुनाफा मिला नहीं। ठीक है,
सुना है मैंने भादराबाद समवेयर भी मिलता है, लेकिन वहाँ मेरे जाने का इतफाक भी नहीं हुआ। तो आज मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया। वो फ्रेंड में हूँ। नहीं नहीं वो फ्रेंड नहीं है, नहीं है। अभी हम लोग मुनाल से खाना खा के आ गए और अब यहाँ पर हम बादशाह इस्तंबुल करके रेस्टोरेंट है। इट्स ब्यूटीफुल, बिल्कुल टर्किश स्टाइल में इसका सारा डिकोर किया लोगों ने। और जो यहाँ का इस वक्त हाउस फुल था, बट वन ऑफ माई फ्रेंड सजेस्टेड अस कि आप यहाँ लाजमी आए, और यहाँ के जो GM हैं वो उनके दोस्त भी हैं, तो उनके रेफरेंस से हम यहाँ आए हैं, तो हमें सीट मतलब मिल गई है, वरना हाउस फुल था। और मैंने अभी कुनाफा ऑर्डर किया है, कुनाफा जो है वो क्रीम, दो कुनाफा ऑर्डर किए, क्रीम कुनाफा और एक चीज़ कुनाफा। तो बड़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से मतलब ये ढूँढ रही थी, आज फाइनली मिलेगा मौका खाने का। मतलब वो जैसे होता है ना कि आप ट्रॉलिंग करते हैं, पानी आ जाता है मुंह में, मेरी ये वाली फीलिंग है। होपफुली जो हम जिस तरीके से मेरे माइंड में है, इनका टेस्ट वैसे ही होगा और हम इंजॉय करके खाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमारा कुनाफा आ चुका है और हम इंजॉय करते हैं कुनाफा। तब तक आप जाके कुछ सिनेमैटिक शॉट्स इंजॉय करें बादशाह इस्तंबुल के। कुनाफा यहाँ का हमने ट्राई किया एंड नो डाउट दिस इज द यमीएस्ट कुनाफा आई हैव एवर हैड। आप भी जब भी यहाँ पर आए लाजमी कुनाफा ट्राई करें, नो डाउट यमीएस्ट वन। ओके।